नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में उजियारपुर सीट की। उजियारपुर से 2019 में कौन बनेगा सांसद। साल 2008 में संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का चुनावी क्षेत्र होने के कारण भाजपा की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई है। पहली बार लोकसभा पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उन्हें बिहार की कमान सौंप दी। वहीं काराकाट तथा उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा खुद उम्मीदवार हैं। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनके नाम है पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर और विभूतिपुर। इनमें पातेपुर सीट एसी आरक्षित है। पातेपुर वैशाली जिले में पड़ता है और बाकी विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले में पड़ते हैं। बीजेपी के नित्यानंद राय यहां से सांसद है। 2014 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी अलोक कुमार मेहता को लगभग 1.5 लाख मतों से हराया था। राय को 3,17,352 वोट मिले, वहीं मेहता को 2,56,883 वोट मिले थे। राय को 36.95% और मेहता को 29.91% वोट मिले थे। भाजपा के नित्यानंद राय को 3,17,352 वोट मिले। वहीं इस चुनाव में दूसरे पायदान पर रहे आरजेडी के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता को 2,56,883 वोट मिले। तो वहीं जदयू की महिला प्रत्याशी अश्वमेघ देवी को 1,19,669 वोट पाकर इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही, जिन्हें 13.93% मत शेयर के साथ लगभग 1.25 लाख वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार अश्वमेघ देवी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी आलोक कुमार को हराया था। अश्वमेघ देवी को 1,80,082 वोट मिले थे, जबकि मेहता को 1,54,770 वोट। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा और यादव समुदाय के लोगों की निर्णायक संख्या है। उसके बाद ब्राह्मण और मुस्लिम भी नतीजे पर प्रभावी साबित होते रहे हैं। वहीं बात करें अगर कुल मतदाता की, तो 15,90,216 कुल मतदाता हैं, जिनमें अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 8,48,788 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 7,41,428 महिला मतदाता है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला इस बार आरएलएसपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से है। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि उजियारपुर के अलावा अपनी पुरानी सीट काराकाट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उजियारपुर के नतीजे से इन दोनों अध्यक्षों का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। नित्यानंद राय जहां प्रदेश अध्यक्ष है, वहीं ये अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में आरएलएसपी एनडीए का प्रमुख हिस्सा थी, लेकिन इस बार चुनाव में आरएलएसपी महागठबंधन में शामिल है। और साथ ही और लोगों के बीच मुकाबला है अन्य पार्टी से व निर्दलीय के बीच, लेकिन इन दोनों में यहाँ कांटे की टक्कर है। और ये देखने वाली बात होगी कि 2019 में दोनों अध्यक्षों के बीच से कौन फिर से संसद में पहुँचता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।